हेलो साथियों गुड मॉर्निंग सुबह की नमस्ते शश्रीकाल राधे राधे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर कैसे हैं मेरे प्यारे सभी साथी एक बार बता दीजिएगा उसके बाद आज की चीजों को डिस्कस करेंगे तो मेरे प्यारे साथियों आज दो दिसंबर है लेकिन साथ में आज शनिवार भी है तो आज बहुत सारी ऐसी चीजों को पढ़ने वाले हैं जो आप पिछली भूल चुके हो प्यारे साथियों नई चीजें तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे लेकिन नई चीजों के साथ में कुछ ऐसी चीजों को भी प्यारे साथियों इंक्लूड करेंगे जो आपके क्या कहते हैं आ, मतलब आप काफी दिनों से रिकॉल नहीं कर पा रहे या भूल गए हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को फटाफट से राधे राधे सभी प्यारे साथियों को सुबह की नमस्ते सश्रीकाल राधे राधे ठीक है और हर हर महादेव प्यारे साथियों तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए सीधे मुद्दे पे आते हैं क्योंकि तो खबरें ना बहुत ज्यादा होने वाली है एक्सप्लेनेशन बहुत होने वाली है तो बेहतर है कि सबसे पहले आइएगा सीधे पढ़ते हैं प्यारे साथियों और कैसे हैं आप सब ये बता दीजिएगा पेन और कॉपी आपके हाथ में होना चाहिए ठीक है जो भी पॉइंट आपको लगे कि ये पॉइंट हमें नहीं आता है उसे फटाक से नोट कर लीजिएगा प्यारे साथियों जब हम बात करते हैं तो देखिएगा ध्यान से समझिएगा अभी जो बात चल रही है वो किस बात की चल रही है कि केंद्र सरकार पी एम पर अगले पांच सालों में ग्यारह प्यारे साथियों करोड़ अस्सी लाख रुपए खर्च करेगा यह क्वेश्चन बहुत जरूरी है अगर मैं डेटा के हिसाब से बात करूं तो इस क्वेश्चन की अहमियत बहुत ज्यादा है तो जो आपका ये बारीकी वाला डेटा है इसे आप तुरंत प्यारे साथियों क्या कर लीजिएगा नोट कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है तो चलेंगे शुरू करेंगे प्यारे साथियों आज की चीजों को तो सबसे पहले यह हमारा क्या है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना तो प्यारे साथियों इस योजना के तहत अगर मैं बात करूं तो 80 करोड़ से ज्यादा जो हमारे परिवार हैं 80 करोड़ से ज्यादा हमारे जो लोग हैं ठीक है ना 80 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो प्यारे साथियों बीपीएल कार्ड होल्डर भी हैं मतलब जिनके पास में क्या है बीपीएल कार्ड है तो उन सभी को भारत सरकार जो है वो अगले पांच सालों तक प्यारे साथियों पांच किलो राशन मुफ्त प्यारे साथियों प्रोवाइड कराएगी ऐसा भारत सरकार क्यों करा रही है क्योंकि भारत सरकार को काफी सारे वोट भी मिल रहे हैं इस बात से ठीक है तो प्यारे साथियों ये जो योजना है ये योजना पूरे विश्व की सबसे बड़ी खाद्य योजना के रूप में साथियों योजना जो है वो विश्व की सबसे बड़ी खाद्य योजना के रूप में बनकर के प्यारे साथियों उभरी है तो यह चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है नोट कर लीजिएगा मार्क कर लीजिएगा तो यह सारी की सारी चीजें बहुत जरूरी है अब यहां पे जो जरूरी बात है वो याद क्या रखनी है तो यहां पे जरूरी याद रखनी है प्यारे साथियों ग्यारह अगर मैं बात करूं लाख अस्सी हजार करोड़ रुपए जो है वो प्यारे साथियों यहां पर मिलेंगे ये बात आपको ध्यान में रखनी है कोई दिक्कत प्रधान इससे रिलेटेड हो तो वो मुझे आप यहां पे बता देंगे तो ये चीज आप लोगों के लिए मार्क करने वाली थी ये अमाउंट मत भूल जाइएगा अगर ये अमाउंट भूल गए तो यहीं से प्यारे साथियों आप लोगों की जो है ये आपको पूछी जाएगी ठीक है ना तो यहां पर क्लियर है कोई दिक्कत परेशानी किसी तरह से तो वो आप लोग जो है यहां पर बता दीजिएगा ठीक है आगे चलते हैं प्यारे साथियों अगले उसमें ये अगले पांच सालों में होने वाला है अमाउंट पे ध्यान दीजिएगा अमाउंट अमाउंट क्योंकि आप आने वाले समय में भूल जाते हैं अब देखिएगा कैबिनेट ने पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान को मंजूरी दी अब देखिएगा इससे बनने वाले प्रश्नों को सबसे पहले देखना है तो पहले तो क्या है कि ये हमारा जो है पीएम जनमन है यह है पीएम जनमन है तो सबसे पहले जो है इसकी पहरे साथियों आप लोगों की फुल फॉर्म बहुत जरूरी है तो पीएम जनमन की फॉर्म क्या है पहला सवाल है तो जनमन में जे का मतलब क्या है जनजाति ए का मतलब क्या है आदिवासी एन का मतलब क्या है न्याय एम का मतलब क्या है महाअभियान ठीक है ना तो ये जन्मन क्या है जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान फॉर्म क्लियर हो गई तो पहला सवाल जो आप लोगों का है तो ये था भैया फुल फॉर्म से पहला सवाल आ गया फुल फॉर्म से ठीक है ना अगर मैं बात करूं तो इसको लॉन्च कब किया गया था तो इसको लॉन्च किया गया है पंद्रह नवंबर को सर पंद्रह नवंबर को क्यों क्योंकि पंद्रह नवंबर को बिरसा मुंडा जी का बर्थडे तो पंद्रह नवंबर मतलब जनजातीय गौरव दिवस क्या है भैया जनजातीय गौरव दिवस तो इसका आपको कहीं ना कहीं ये याद रखना है कि 15 नवंबर को ये लॉन्च किया गया है जो कि तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट है उसके बाद जब मैं आगे बात करूंगा पेरे साथियों इसको कहां से लॉन्च किया गया है कौन से शहर से तो प्यरे साथियों इसको किया गया है खुंटी से कहां से खुंटी से ये खुंटी कहां है झारखंड में है और जो झारखंड में है खुंटी किसका निर्वाचन क्षेत्र है तो खुंटी जो है वो अर्जुन मुंडा का निर्वाचन क्षेत्र है किसका अर्जुन मुंडा का तो जो अर्जुन मुंडा है हमारे वो जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर जो है वो किसके अंडर है अर्जुन मुंडा के अंडर में है ये बात भी समझ में आ गई कब किया किसने किया कहां से किया वो सारी की सारी चीजें अब आप बोलेंगे कि सर इस योजना के अंदर होगा क्या तो इस योजना के अंदर आपको मालूम है अभी हमने जिक्र किया था पीवीटीजी, जिक्र किया था ना पीवीटीजी? तो पीवीटीजी का मतलब क्या है प्रीमिटिव बर्नेबल ट्राइबल ग्रुप तो जो प्रीमिटिव बर्नेबल ट्राइबल ग्रुप है मतलब ऐसा जनजातीय समूह है प्यारे साथियों जो क्या है जो अपनी चीजों से बाहर ही नहीं निकलना चाहता मतलब एक होता है टिपिकल प्यारे साथियों जैसे मैं आपको एक नॉर्मली बात बताऊं कि एक आदमी होता है पुराने विचारों को मानने वाला ठीक है ना और एक आदमी होता है टिपिकल पुराने विचारों को मानने वाला कि भैया नई चाहे कुछ भी हो उसने पुराने विचार ही मानने हैं ठीक है ना तो ये पीवीटीजी मतलब वो ट्राइबल जो प्योर आदिवासी है मतलब जिनका कोई लेना देना नहीं इस दीन दुनिया से प्यारे साथियों ठीक है ना जिनके लिए ये दुनिया जो है पित्तल नहीं है वो हमारे कौन है पीवीटीजी वाले हैं जंगलों में रहना पसंद कर रहे हैं अपने उसी कल्चर में रहना पसंद कर रहे हैं अपने ही कपड़ों को पसंद कर रहे हैं अपने ही खान पान को पसंद कर रहे हैं लेकिन उससे बहुत ज्यादा समस्याएं होती जा रही थी अब आप बोलोगे सर समस्याएं कैसी हैं देखिएगा जो पीवीटीजी ग्रुप है ना तो पहले तो क्या है कि एजुकेशन इनसे बहुत दूर होती जा रही मतलब ये पढ़ ही नहीं पा रहे तो एजुकेशन जो है इनसे कोसों दूर निकल जा रही उसके बाद क्या है कि पहले साथियों जो जहां पर ये रह रहे हैं तो वहां पर बहुत सारे एरिया ऐसे हैं कि गंदगी है बीमारी फैल चुकी है तो ये उससे ना बाहर नहीं निकलना चाह रहे अब जिससे नतीजा ये हो रहा है कि यहां पे भी बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं कुपोषण का शिकार बच्चे और महिलाएं हो रही हैं तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो पीवीटीजी ग्रुप है उनके लिए प्यारे साथियों इस योजना को आप लोगों का शुरू किया गया है अब इसमें होगा क्या क्या ताकि इनको अच्छी हॉस्पिटैलिटी मिल सके इनको अच्छा हॉस्पिटल मिल सके इनको स्वच्छ पानी मिल सके पीने को इनको रहने को साफ जगह मिल सके अच्छे घर प्यारे साथियों मिल सके तो वो आप लोगों के इसलिए आप लोगों का ये योजना है और ये उसी का पार्ट है तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में क्वेश्चन को यहां पे बसा लो क्वेश्चन को यहां बसा लो अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आयागा तो रटने की कोई बात नहीं मतलब रटने का कोई फायदा नहीं इस तरह का सवाल दो तरह के सवाल है आज की डेट में एक वो जो डायरेक्टली याद करना है और एक वो जो समझना है क्योंकि यहां से कुछ भी सवाल बन करके आएगा तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी है सारी चीजें क्लियर हो गई आप लोगों के लिए तो ये हमारा जो है पीएम जनजाति आदिवासी जो हमारा पेरे साथियों क्या है न्याय महाअभियान है इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत पैरे साथियों आप लोगों को नहीं है तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है मार्क कर लीजिएगा अब अगर कोई आपसे ये पूछने लगे कि भैया जो हमारा ये महाअियान था इस पर फंड कितना अलोकेट हुआ है पैसा पैसा जरूर याद रखिएगा तो ये है आप लोगों का चौबीस करोड़ रुपए कितना है चौबीस हजार एक सौ चार करोड़ रुपए है यह आपका बजट में भी जिक्र हुआ था कि बीस हजार करोड़ से ज्यादा की एक हमारी पेरे साथियों योजना है तो चौबीस हजार एक सौ चार करोड़ रुपए इसके लिए पेरे साथियों क्या हुआ है एस्टिमेटेड आप लोगों का जो है एक बजट है तो आपको ध्यान में रखना है इसके अप्रोक्स में वैल्यू कुछ भी पूछी जा सकती है और आदिवासी लोगों का दिवस कब आता है बोलो बोलो आदिवासी लोगों का दिवस सर वो आता है 9 अगस्त को आदिवासी लोगों का दिवस कब आता है 9 अगस्त को आता है 9 अगस्त को ये अमाउंट जरा लिख लेना आप सभी लोग क्योंकि ये अमाउंट अगर आपने नहीं लिखी तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है प्यारे साथियों ठीक है चलिएगा अगला सवाल आप लोगों के लिए आज के सवाल बड़े अच्छे मैंने चुनिंदा निकाले हैं सवाल पुराने नए दोनों मिलाए हैं लेकिन बड़े चुनिंदा आज के सवाल है ठीक है मरियम बेविस्टर ने घोषणा कर दी अथेंटिक जो शब्द है वो उनका है प्यारे साथियों जो ऑथेंटिक शब्द है वो आप लोगों का क्या है मरियम डिक्शनरी का है ये बात आपको ध्यान में रखिएगा ठीक है ना तो प्यारे साथियों जो हम बात करेंगे तो यहां पे अथेंटिक मरियम बेविस्टर जो एक डिक्शनरी है हमारी उसने ऑथेंटिक शब्द को चुना है जबकि कॉलिन ने किसको चुना था जो कॉलिन डिक्शनरी है उसने कौन से शब्द को चुना था एक बार मुझे बता सकते हो आप लोग यहां पर नहीं सर प्यारे साथियों तो ये चीज आप लोगों को जब हम यहां पर बात करेंगे अब आप बोलोगे कि सर यह शब्द कैसे चुना जाता है मतलब ये शब्द कैसे चुना जाता है तो बेसिकली इस शब्द को क्या चुना गया कि दो के अंदर शब्द प्यारे साथियों सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं लोगों ने यूज किया है अब सर यूज कैसे करेंगे लिखने में यूज किया है सोचने में यूज किया है प्यारे साथियों या कहीं बोलने में इसको यूज किया है प्यारे साथियों तो वो सारी की सारी चीजें जो है वो आप लोगों की अथेंटिक शब्द के इधर उधर रही तो इस डिक्शनरी के हिसाब से ये रहा है अगर मैं बात करूंगा तो अथेंटिक यहां पे आप लोगों का बन जाएगा तो ये चीज आप लोगों को जो है ध्यान में रखिएगा मार्क कर लीजिएगा अच्छा इसके कंपटीशन में कौन कौन से वर्ड आए थे एक कदम आगे बढ़ जाते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके कंपटीशन में था और सेलिब्रिटी प्यारे साथियों अगर मैं बात करूंगा आप सभी लोगों से और अगर मैं इसमें बात करूं तो सोशल मीडिया तो ये शब्द और थे जो इसको पूरी पूरी टक्कर प्यारे साथियों यहां पर दे रहे थे तो ऑथेंटिक क्यों टक्कर मिली थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो कॉलिन डिक्शनरी का वर्ड है जो जो डिक्शनरी का का साथियों वर्ड है इसको आप लोगों का जो टक्कर मिली थी सोशल मीडिया से मिली थी सेलिब्रिटी से मिली थी प्यारे साथियों तो इन सभी चीजों से आप लोगों का जो है ये चीज आपको जो है ध्यान में रखनी है मार्क कर लीजिएगा कोई दिक्कत परेशानी है तो वो मुझे यहां पर बताएंगे ठीक है ना अब वो सवाल को सपोज उसने ना सवाल को थोड़ा घुमा दिया ठीक है ना तो जब हम हाँ वो सुरेंद्र मैं भी बताऊंगा दोस्त वो ओपनिंग मूवी कल गलत हो गई थी उसको मुझे सही कराना है ठीक है कल वो फ्लो फ्लो में ना ओपनिंग मूवी गलत हो गई उसको मैं ठीक करा दूंगा डोंट वरी ठीक है सुरेंद्र चलिएगा तो जब हम यहाँ पे बात करेंगे फिर मैं आगे उसको करेक्शन कराने वाला था मैंने एक कमेंट कल बच्चे का पढ़ा था तो जब हम आगे बात करेंगे प्यारे साथियों तो जो मरियम बेविस्टर डिक्शनरी है अगर इसको सवाल को उसने थोड़ा घुमा दिया सवाल को उसने ये घुमा दिया कि भैया मरियम बेविस्टर डिक्शनरी का जो वर्ड है ऑथेंटिक आप लोगों का उसके अराउंड और कौन से पॉपुलर वर्ड देखे गए तो पॉपुलर वर्ड में प्यारे साथियों एक वर्ड यहां पे आया था डीप फेक क्या आया था डीप फेक प्यारे साथियों एक आप लोगों का एक्स ये एक्स कौन सा वाला है तो ये एक्स जो है वो ट्विटर वाला एक्स है तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है ठीक है तो ये इसके आसपास के और भी वर्ड थे जो चर्चा में थे तो ये चीज आपको जो है नॉर्मली ध्यान में रखनी है ठीक है आगे चलते हैं अगले सवाल पर अब अगला सवाल क्या कह रहा है तो अगला सवाल आपको ना सीधे मेडा पहुंचा देगा अगला सवाल जो है वो सीधे आपको कहां पहुंचा देगा मेडा आइएगा जल्दी से फटाफट से सर नेट नहीं चल रहा नेट को चलाओ भाई नेट चलेगा नेट कहाँ जाएगा प्यारे साथियों क्या कहते हैं बिना चले ठीक है ना तो बिना चले नेट जो है कहीं नहीं जाने वाला नेट को आज चलना पड़ेगा तुम्हारे लिए ठीक है चलो तो सबसे पहले मैं आपको बात करता हूं मेडागास्कर तो आपको ना कंट्री का रीजन जरूर याद रखिएगा ये जो है मेडागास्कर है तो मेडागास्कर जो है वो क्या है ईस्ट प्यारे साथियों क्या है ईस्ट अफ्रीका कंट्री है क्या है ईस्ट अफ्रीका कंट्री है अफ्रीका से बहुत अच्छी अच्छी न्यूज आने वाली है अभी तो ईस्ट अफ्रीका कंट्री है साथियों मेडागास्कर और मेडागास्कर के जो राष्ट्रपति चुने गए हैं उनका नाम है एंड्री राजोलिना तो एंड्री राजोलिना न्यू प्रेसिडेंट ऑफ मेडागास्कर मेडागास्कर कैसी कंट्री है तो ये हमारी प्यारे साथियों एक अफ्रीकन कंट्री है इसको ध्यान में रखनी है नोट कर लीजिएगा यहां पर सबसे ज्यादा जरूरी पता है क्या है तो सबसे ज्यादा जरूरी है इसकी कैपिटल आप नोट कर लो और चाहे अभी लिख लो ये पेपर में पूछी जाएगी और दूसरी जरूरी है इसकी करंसी ठीक है ना तो इसकी करेंसी जरूरी है और इसकी प्यारे साथियों कैपिटल जरूरी है तो कोई मुझे बताएगा कि इसकी कैपिटल क्या है करेंसी क्या है तो इसकी जो कैपिटल है ना अगर कभी भी पूछा जाए पेरे साथियों तो ये क्या है आप लोगों का अनंता रिवो है क्या है पेरे साथियों अनंता रिवो है उसको आप लोगों ने जो है ध्यान में रखना है ये आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है तो क्या है अनंता रिवो है पेरे साथियों ए एन टी एन ए रिवो अनंता रिवो जो है वो इसकी क्या है कैपिटल है और जो पेरे साथ इसकी करंसी है वो हमारी एरी एरे है तो इसकी करंसी जो है ए आर आई ए आर वाई ठीक है ना तो एरी एरे जो है वो इसकी करंसी है याद रख लीजिएगा अब यहां से क्या क्या सवाल आपके बन सकते हैं जो बिल्कुल जेन्यून सवाल बनेंगे तो पहला सवाल कि मेडा गास के राष्ट्रपति का नाम बता दीजिएगा तो ये क्या है एंड्री ए एंट्री है राजोलिना यहाँ पे कैपिटल क्या है तो अनंता रिवो है यहाँ पे करंसी क्या है एरी एरे है साथियों और ये ईस्ट अफ्रीका की कंट्री है ये भी ध्यान में रखिएगा अफ्रीका से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर कहां से आ रही है तो खबर आ रही है युगांडा से कहा से युगांडा से अब ये युगांडा से कौन सी खबर आ रही है प्यारे साथियों जैसा कि आपको मालूम है कि टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप होने वाला है टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप होने वाला है सर कब 2024 से जो टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप होने वाला है 2024 में तो टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप में अब से कितनी टीमें भाग लेंगी सर टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप में अब से 20 टीमें भाग लेंगी कितनी टीमें भाग लेंगी 20 टीमें भाग लेंगी तो वर्ल्ड कप की बीस टीमें जो भाग लेंगी उसमें भैया टॉप टेन तो पता है कि टॉप टेन वो होती है जो आईसीसी रैंकिंग में टॉप टेन में है चलिएगा दो वो कंट्री हैं जो होस्ट कर रही हैं मतलब वेस्टइंडीज और यूएसए लेकिन प्यारे साथियों 2024 से 20 टीमों में युगांडा पहली बार प्यारे साथियों पहली बार युगांडा ने टी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है और ये आपका पूछा जाएगा तो यह पांचवा अफ्रीकन देश है जिसने प्यारे साथियों क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है यह बात आपको ध्यान में रखनी है तो क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला पांचवा देश बना है कौन युगांडा पांच देशों में अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन से देश शामिल है तो पांच देशों में प्यारे साथियों एक हमारा है जिम्बाब्वे जिसने आपसे पहले किया था इस बार नहीं किया है उसके बाद अगर मैं बात करूं तो केन्या कर चुका है ऑलरेडी प्यारे साथियों और एक आप लोगों का जो है युगांडा हो गया प्यारे साथियों और एक हमारा क्या हो गया नामी हो गया तो ये हमारे अफ्रीकन कंट्री है इनके अलावा साउथ अफ्रीका तो है ही वो आप जानते ही हो ठीक है तो ये हमारा पांचवा देश बना है युगांडा तो सवाल पूछने वाला कि युगांडा कौन सा देश बना जिसने क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया या हाल फिलहाल में किस अफ्रीकन कंट्री ने क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 के लिए क्वालिफाई किया है अफ्रीकन कंट्री ने तो युगांडा है और नामीबिया है यह बात आप जरा ध्यान में रख लीजिएगा ठीक है ना युगांडा की जो कैपिटल है वो कंपाला है नोट करिएगा जिम्बाब्वे बाहर हो गया है तो युगांडा की एंट्री तभी साथियों हो पाई है ठीक है तो यह चीज आपको जो है ध्यान में रखनी है अगला सवाल है नागालैंड का राज्य दिवस कल हमने पढ़ लिया था तो जब हमने कल नागालैंड का राज्य दिवस पढ़ लिया था तो बताओ नागालैंड का राज्य दिवस जो है वो प्यारे साथियों कौन से नंबर का था इकसठ नंबर का था कल एक सवाल मैंने आप लोगों को बताया था और वो सवाल ये था कि मुझे बताओ कि नागालैंड जो है कब बना था और कौन से राज्य में प्यारे साथियों बना था तो वो मुझे आप एक बार जो है जल्दी से बता दीजिएगा फटाफट से कि जो नागालैंड है वो कौन से नंबर का राज्य था तो जस्ट हमें इकसठ को उल्टा ही तो करना है तो कल हमने पढ़ा था कि जो नागालैंड था वो हमारा प्यारे साथियों कौन से नंबर का था सोलवे नंबर का वो हमारा था नागालैंड सोलवा राज्य और जब अभी बात कर रहे हैं तो प्यारे साथियों नागालैंड का इकसठवा राज्य दिवस हमने प्यारे साथियों कल आ, मनाया है एक दिसंबर को मनाया है ये प्यारे साथियों हमारा क्या है नागालैंड है इसकी कैपिटल क्या लग रही है इसकी कैपिटल लग रही है कोहिमा प्यारे साथियों और यहाँ का जीआई टैग में सबसे ज्यादा जरूरी जो बनता है वो आप लोगों का क्या बनता है नागा मिर्चा कल अगर आप लोगों ने तो कमेंट नहीं किया कुछ बहुत कम लोगों ने कल कमेंट किया था मैंने कल जो है देखा भी था तो मैं आपको बता दूं कि कल मैंने पूछा था कि भैया यहां पर विधानसभा सीटें कितनी है पूछा था कल मैंने तो कल यहां पर मैंने एल आर वी में

वो 943 है मतलब 2011 जनगणना के अनुसार भारत का जो सेक्स रेशो है वो 943 है तो क्या नागालैंड का ज्यादा है या कम है है तो ये आपको लिखना है कि नागालैंड का नौ है इकतीस तो नागालैंड का कम है एक पेपर बना लीजिएगा आज ही से मतलब एक पेपर बना लेना आज ही से आपको उस पेपर पे क्या लिखना है उस पेपर पे आपको दो ऐसे लाइन ड्रॉ कर देनी है ऐसे एक पेज है आपके पास में उस पेज पे ना एक लाइन ड्रॉ कर देना और यहां लिख लेना भारत के सेक्स रेसो से ज्यादा वाले राज्य और भारत के सेक्स रेशों से कम सेक्स रेसो वाले राज्य ठीक है।, है क्योंकि एक सवाल ना नए तरीके का निकल के आ रहा है जो मैंने पहले भी आपको बताया है कि सवाल यह बन रहा है कि इनमें से किस राज्य का सेक्स रेशो भारत के एवरेज सेक्स रेशों से कम है या भारत के एवरेज सेक्स रेशों से ज्यादा है तो वो कम वाले आपके पास में एक तरफ आ जाएंगे और ज्यादा वाले एक तरफ आ जाएंगे और जब वो एक साथ लिखे रहेंगे तो उसमें क्या होगा कि कोई दिक्कत साथियों आप लोगों को को वहां पे देखने को नहीं मिलेगी ये बात याद रखिएगा अच्छा नागालैंड में जिलों की संख्या कितनी थी तो नागालैंड के अंदर जो जिले थे वो बारह थे तीन बढ़ा दिए गए हैं तो जिलों की संख्या जो हो गई है वो पंद्रह हो गई है अगर कभी भी पूछे तो जिलों की संख्या जो है वो आपकी कितनी हो गई है पंद्रह हो गई है याद रखिएगा एक फेस्टिवल मनाया जाता है मोतसू फेस्टिवल कौन सा पेरे साथियों मोतसू फेस्टिवल तो ये जो मोतसू फेस्टिवल है ना आप लोगों का तो ये हमारा नागालैंड ही पेरे साथियों मनाता है नोट करिएगा आजकल कर आप सवालों को देख रहे हो तो एक सवाल ऐसा पूछा जा रहा है कि बिल्कुल अलग ही पूछते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह तो वन्य जीव अभ्यारण में आपको नोट करना है क्या कि भैया जो हमारा एक फकीम प्यारे साथियों फकीम तो फकीम लाइफ सेंचुरी या फकीम वन्य जीव अभ्यारण जो है वो आप लोगों का कहां पर है ये फकीम वन्य जीव अभ्यारण कहां पर है प्यारे साथियों तो ये हमारा नागालैंड के अंदर है प्यारे साथियों अगर मैं पूछूं कि पूली बैज कहां पर है ये पूली बैज वन्य जीव अभ्यारण कहां पर है तो ये भी हमारा नागालैंड में है समझ में आ गए दोनों के दोनों कोई दिक्कत प्यारे साथियों आपको समझ में आ गए पूली बैज कहां मिलेगा पूली बैज वन्य जीव अभ्यारण नागालैंड आपसे पूछा जाएगा फकीम वन्य जीव अभ्यारण कहा है तो वो भी बोलोगे नागालैंड है और कल मैंने नेशनल पार्क भी पूछा था तो इन टैंकी नेशनल पार्क जो है वो भी हमारा नागालैंड है इन सभी बातों को नोट करिएगा तो फकीम भी लिख लेना है पुलिस बैज भी लिख लेना है ये हमारे लिए जरूरी है स्टैटिक जीके का पार्ट है ये पेपर में आपको जो है कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे उसको नोट करना था ठीक है चलिएगा अगले सवाल पे चलते हैं अगला सवाल प्रधानमंत्री ने देवघर में दस हजार वे जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है कहाँ किया है देवघर में ये भैया देवघर आप लोगों का कहा है इसके बारे में थोड़ा सा बता दोगे तो बड़ा अच्छा सा लग जाएगा मुझे फटाफट से प्यारे साथियों कोई भी सवाल किसी भी तरह का सवाल है तो वो आप लोग मुझे यहाँ पे अपना डिस्कस कर लिया करो नीचे प्यारे साथियों दे दिया करो ताकि उसमें मैं आपको रिप्लाई कर सकू ठीक है चलिएगा चला जाए फिर आगे फटाफट से बढ़ा जाए ठीक तो यहां पर प्यारे साथियों प्रधानमंत्री ने देवघर में दस हजार जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया तो सबसे पहले हम जब बात करेंगे तो देखिएगा पूरा बोर्ड हमारे पास में है तो कितनी सारी बातें यहाँ पे लिखी जा सकती हैं तो पहला प्यारे साथियों क्या है जन औषधि क्या है जन औषधि जो हमारा दिवस है वो कब मनाया जाता है और एक है हमारा जन औषधि सप्ताह हमारा है प्यारे साथियों अब ये क्यों है समझना ध्यान से कि बेसिकली क्या है कि सरकार प्रमोट करती है कि जो जेनरिक दवाएं हैं उनको खाओ मतलब आपने देखा होगा कि आदमी की जेब ढीली कौन करता है तो आदमी की जेब ढीली करती है दवाएं ये जो दवाएं हैं ये आदमी की जेब ढीली करती हैं आपको एक दवाई लेने चले जाओ ठीक है ना तो प्यारे साथियों वही दवाई वही दवाई जो है आपको पचास रुपए की भी मिल जाएगी वही दवाई की कंपनी बदल दोगे पांच सौ में भी मिल जाएगी वही दवाई की कंपनी और ज्यादा अच्छी कर दोगे तो हजार रुपए की भी मिलेगी और वही दवाई पांच रुपए की भी प्यारे साथियों मिल जाएगी तो इस जन औषधि जो एक अभियान हमारा चला था उस अभियान के माध्यम से जो सरकार है वो ये कहना चाह रही है कि डॉक्टरों को उन्होंने यह प्रेस्क्राइब किया हुआ है कि आप ऐसी दवाइयों को लिखेंगे जो क्या है कि जो जेनरिक दवाई हो ठीक है ना मतलब जिसमें सॉल्ट सेम हो ज्यादा तड़क भड़क वाली दवाई ना हो ब्रांडेड दवाई ना हो ताकि हर आदमी तक पहुंच आसान हो जाए तो उसके लिए साथ के साथ जन औषधि केंद्र भी खोले गए अभी जो जन औषधि केंद्र आपके खोले गए हैं तो यहाँ पे दवाइयों पे 80 परसेंट कम तक का पेरे साथियों क्या कहते हैं दवाई मिलती है 80 परसेंट कम तक के रेट पे ऐसा बोला जाता है अब अंदर की बातें क्या है क्या नहीं है तो जन औषधि दिवस जो आता है वो 7 मार्च को आता है और जन औषधि सप्ताह जो आता है वो एक एक से सात मार्च को आता है तो भैया इसका जो दस हजारवा केंद्र है उसका उद्घाटन एम्स देवघर में प्यारे साथियों किया गया है ये बात ध्यान में रखनी है और साथी के साथ ही संकल्प लिया गया है कि आने वाले समय में पंद्रह हजार और हम इस तरह के जो सेंटर हैं वो प्यारे साथियों खोलेंगे अब इसी में आ जाती है आपकी एक दवाइयों से जुड़ी आ जाती है आयुष्मान आयुष्मान योजना क्या जाती है आयुष्मान योजना तो प्यारे साथियों अभी हमने आयुष्मान योजना के तहत बहुत सारे वेलनेस सेंटर खोले थे खोले थे ना आयुष्मान भारत वेलनेस सेंटर तो उनका नाम भी हमने बदल दिया है वेलनेस सेंटर का तो जो हमारे प्यारे साथियों वेलनेस सेंटर थे उनका नाम क्या बदल दिया है तो उनका नाम रख दिया है आयुष्मान आरोग्य आयुष्मान आरोग्य मंदिर क्या नाम रख दिया है आयुष्मान आरोग्य मंदिर प्यारे साथियों यहां पे रख दिया है ठीक है ना तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो है वो हमारे वेलनेस सेंटर का नया नाम हो चुका है तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखने का मार्क कर लीजिएगा ठीक है तो ये सारी की सारी चीजें कोई दिक्कत है प्यारे साथियों तो इसमें जो है सारी की सारी चीजें आप लोगों के लिए बन जाती है ठीक इसमें कोई दिक्कत नहीं है आगे बढ़ जाइएगा अगले सवाल पे आइएगा अगला सवाल क्या कह रहे हैं कि सुबा लक्ष्मी को जानते हो ये ऑबिचोरी पेपर में जरूर पूछी जाएगी मतलब कुछ ऐसी होती है, वो पेपर में जरूर आती है तो हम बात किसकी कर रहे हैं सुबा लक्ष्मी की तो सुबा लक्ष्मी जो है ना आर सुबा लक्ष्मी तो भैया ये हमारी मलयालम अभिनेत्री और संगीतकार प्यारे साथियों तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि सुबह लक्ष्मी का जो संबंध था वो किससे था तो मलयालम इंडस्ट्री से था मलयालम अभिनेत्री होने के साथ साथ मलयालम संगीतकार भी थी अब मेरा सवाल यह है कि आज का मलयालम को शास्त्रीय भाषा में गिना जाता है हमारी जो शास्त्रीय भाषाएं हैं उसमें मलयालम भी काउंट होती है तो मलयालम को कौन से ईयर में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में अभी के अभी बता दीजिएगा नहीं पता तो नो लिखिएगा मैं जस्ट आपको बताऊंगा ठीक है ना तो मलयालम जो है वो आपकी प्यारे साथियों कौन से आ, मतलब ईयर में उसको क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया ये सब बातें आपकी स्क्रीन पर होनी चाहिए याद रखेंगे ठीक है ना तो बात किसकी हो रही है सुबा लक्ष्मी तो सुबा लक्ष्मी सुबह सुबह चली गई और ये मलयालम अभिनेत्री और संगीतकार थी तो याद रखेंगे मलयालम को कौन से ईयर में शामिल किया गया जल्दी से बताएं कमेंट जो बॉक्स है वहां पे आपको मैं देख पा रहा हूं कि नहीं बता पा रहे हो आगे चलेंगे प्यारे साथियों अब हम आ जाते हैं कुछ ऐसे सवाल हैं प्यारे साथियों जिन पर हम बढ़ेंगे ठीक है ना तो कुछ ऐसे सवाल हैं नहीं पता दो नहीं आएगा दोस्त दो में जो हमारी कन्नड़ा है और जो हमारी तेलुगु है तो मैं आपको बताऊं की सबसे पहले जब हम मिलते हैं तो प्यारे साथियों तमिल संस्कृत उसके बाद कन्नड़ आप लोगों की आ जाती है तेलुगु आ जाती है मलयालम को जो मिला था तो नहीं पता बट कोई बात नहीं मोहिनी यहां पे आंसर कर रही हैं तो मलयालम को शिशिर आंसर कर रहे हैं 2013 में अंजलि मिश्रा आंसर कर रही हैं 2013 में 2013 में और जो आपकी ओडिया है उसको 2014 में तो लिख लीजिएगा इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2013 में 2013 में आप लोगों का मिला था तो ये सब बातें आपको जो है है ध्यान में रखनी कोई दिक्कत नहीं भूल जाते रिकॉल कराऊंगा अब बहुत सारी चीजें आपकी रिकॉल होंगी टेंशन ना लीजिएगा ठीक है चलिएगा दो हजार तेरह यहां पर बन जाएगा पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा जो आपके तोते से नहीं उड़ाएगा अच्छा सवाल है रेल पटरियों पर हाथियों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भारतीय रेलवे कौन सी तकनीकी शुरू की है पैरे साथियों मतलब आपने देखा होगा कि जो हमारे कुछ राज्य हैं जैसे वेस्ट बंगाल हो गया झारखंड हो गया प्यारे साथियों केरल हो गया तमिलनाडु हो गया तो वहां पे प्यारे साथियों ट्रेन जब ट्रेन जाती है ना छुक छुक करके जब ट्रेन जाती है तो ट्रेन की जो क्रॉसिंग है प्यारे साथियों यहां पर हाथी भी जाते हैं और हाथियों को बहुत दुर्घटना होती है मतलब कई बार ट्रेन से टकरा जाएंगे तो ट्रेन से टकरा करके क्या हो जाती है हाथी की दुर्घटना हो जाती है कई बार ट्रेन की भी हो जाती है लेकिन हाथी को ज्यादा हार्म हो रहा था तो प्यारे साथियों जो हमारी रेल पटरियां हैं हाथियों के कारण होने को उत्पन्न वाली एक हमारी जो तकनीक शुरू की है ये तकनीक जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है ये जो तकनीक है ना ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है ठीक है ना तो ये प्यारे साथियों अगर पूछा जाएगा हाथी कवच है गजराज सुरक्षा है गज सुरक्षा है या गजराज कवच है तो यहां पर आप लोग इससे ज्यादातर आंसर जो है वो क्या आंसर कर रहे हैं भैया यहां पर आप लोगों के जो है ज्यादातर लोगों के आंसर सी दिख रहा था यहां पे तो सी तो गलत हो जाएगा क्योंकि गज सुरक्षा नहीं है गजराज सुरक्षा है कौन सी सुरक्षा है गजराज सुरक्षा है तो कौन सी सुरक्षा है गजराज सुरक्षा है तो ये बात आपको ध्यान में रखिएगा हाथी हमारा राष्ट्रीय विरासत पशु है तो हाथी हमारा राष्ट्रीय विरासत पशु है तो राष्ट्रीय विरासत पशु राष्ट्रीय विरासत पशु है तो राष्ट्रीय विरासत पशु का दर्जा कब मिला था 2010 में हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु का दर्जा कब मिला था तो ये मिला था पहले साथियों 2010 में एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो हाथी दिवस है वो 12 अगस्त को आता है तो वर्ल्ड एलिफेंट डे जो है वो हमारा क्या आता है तो ये चीज आप लोगों को जो है को जीता है बताएंगे आप मुझे किस टीम ने सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीती है जल्दी से बताएं फटाफट से हाँ हाथी बचाओ दिवस 16 अप्रैल को आता है ठीक है आंसर करिएगा जल्दी से तो किस टीम ने सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2023 जीती है पंजाब हरियाणा उड़ीसा या तमिलनाडु इसको किसने जीता है तो ये जीतने वाली जो टीम है प्यारे साथियों वो बन जाती है पंजाब हारने वाली टीम कौन बन जाती है हरियाणा ठीक है ना तो हरियाणा जो है वो फाइनल हारता है हारने वाली टीम को भी याद रखिएगा हरियाणा को प्यारे साथियों हराया है पंजाब ने इसको क्या किया है जिताया है एक यूनिवर्सिटी है हमारी युनिवर्णिय। पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की हम बात कर रहे हैं तो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने खेलो इंडिया खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पहला स्थान हासिल किया है तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में जो पहला स्थान हासिल किया है वो किसने किया है पहले साथियों पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने पहला स्थान हासिल किया है नोट कर लेंगे ठीक है अगले सवाल पे चलते हैं थोड़े सवाल आज ज्यादा हैं शनिवार के करके मैंने आज रिवीजन वाले सवाल रखे हैं मानसून ए पोएम ऑफ लव एंड प्यारे साथियों लॉन्गिंग तो अगर मानसून ए पोएम ऑफ लव एंड लॉन्गिंग इस किताब के लेखक कौन है बता दीजिएगा पहली बार में इस किताब के लेखक कौन है प्यारे साथियों इस किताब के लेखक कौन है तो मानसून ए पोयम ऑफ लव एंड लॉन्गिंग इस किताब के लेखक का नाम बताइएगा क्या है तो अमिताभ घोष है अरुंधति रॉय है अभय कुमार विक्रम सेठ तो ये हमारे क्या है राजन्यायिक अभय कुमार डिप्लोमेट है अभय कुमार अभय कुमार अभय कुमार, कुमार कई बार ये किताब मैंने आपको पढ़ाई है प्रथम दिव्यांगजन महाकुंभ कहा आयोजित हुआ था प्रथम जन महाकुंभ ये कहा आयोजित हुआ था जल्दी बताइएगा प्रथम दिव्यांगजन कल दो घंटे की क्लास है करंट अफेयर की कल दो घंटे की क्लास है करंट अफेयर की तो ये चीज आपको जो है ध्यान में रखिएगा मार्क कर लीजिएगा ठीक है ना तो आंसर करे आंसर करे आंसर करे तो यहां पर आप लोगों का प्रथम दिव्यांगजन महाकुंभ कहां आयोजित हुआ था अयोध्या मथुरा प्रयागराज बनारस तो प्रयागराज यहां पे गलती कर देते हो ये बनारस में हुआ था कहा हुआ था यह बनारस में हुआ था तो ये चीज आपको जो है ध्यान में रखिएगा मार्क कर लीजिएगा तो ये सारी की सारी चीजें जरूरी हैं, मार्क करेंगे ठीक है ना तो कोई दिक्कत है परेशानी है तो मुझे बताएंगे अब दिव्यांगजन का जो अंतरराष्ट्रीय दिवस है दिव्यांगजन का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वो तीन दिसंबर को आएगा कब आएगा तीन दिसंबर को अगर मैं कुंभ मेले की बात करूं प्यारे साथियों तो ये 12 साल में आता है और 2025 में बनेगा 2025 में कहा प्यारे साथियों प्रयागराज तो 2025 में कुंभ होगा कहां पे प्रयागराज में ठीक है चलिएगा आगे चलते हैं प्यारे साथियों अभी हमने मथुरा के अंदर तेईस नवंबर को प्यारे साथियों तेईस नवंबर को मथुरा के अंदर मीराबाई की जयंती पर ब्रज महोत्सव मनाया है मनाया है ब्रज महोत्सव मथुरा से सांसद कौन है ज्यादा मेले लगते हैं उत्तर प्रदेश में प्यारे साथियों याद रख लेंगे आगे बढ़ जाइएगा ठीक है ना आगे सवाल है आपका नई दिल्ली में फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज का उद्घाटन किसने किया भाई फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज का उद्घाटन किसने किया है जल्दी से बताइएगा ज्यादा समय नहीं है आपके पास में ठीक है मतलब इस सवाल को करने का ज्यादा समय नहीं है कि फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज का जो उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया गया है बस इतना सा मुझे बता देंगे ठीक है ना किसके द्वारा किया गया है तो जल्दी से बताइएगा फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरी जिसे हिंदी में क्या बोलेंगे इसे हिंदी में कई बार लिखा सकता है पुस्तकालय महोत्सव कौन सा महोत्सव आ सकता है पुस्तकालय महोत्सव प्यारे साथियों ठीक है ना पुस्तकालय महोत्सव हुआ था क्या हुआ था प्रगति मैदान में तो आप क्या कह रहे हो राजनाथ सिंह पहले साथियों राजनाथ सिंह आप कह रहे हो मोदी जी यहां देखिएगा मोदी जी पीछे हट गए थे मोदी जी ने भी मना कर दी थी राजनाथ अमित शाह के हाथ पकड़ लिए थे तो यहां पे आएंगी द्रौपदी मुर्मू कौन आएंगी द्रौपदी मुर्मू आएंगी पुस्तकालय महोत्सव या फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे तो ध्यान में रख लेना नोट कर लीजिएगा ठीक है एनीथिंग एल्स कोई दिक्कत परेशानी है तो ये चीज आप मुझे बता सकते हैं चलिएगा अगले सवाल पे चलते हैं अगला सवाल क्या है यहां मोदी जी पीछे रह गए नामदेव धोणो महानोर प्यारे साथियों किस लिए जाने जाते थे तो नामदेव धोणो महानोर यह भी चर्चा में थे इस तरह का सवाल आपके पेपर में देखने को मिलेगा ठीक है ना तो भैया ये किस नाम किस लिए जाने जाते थे ये क्यों फेमस थे तो बताइएगा नामदेव का नाम क्यों फेमस था नामदेव का नाम क्यों लिया जाता था मराठी साहित्य में उनका योगदान एक अभिनेता के रूप में उनका कैरियर खेल में उनकी उपलब्धियां राजनीति में उनका कार्य बता देंगे ठीक है ना ये हमारा जो है एक मतलब नामदेव धोनो महानोर ना इनका निधन हुआ है अभी पिछले महीने हुआ है वैसे निधन तो लेकिन निधन के ऊपर बना एक अच्छा सवाल है कि भैया ये क्या थे आप लोगों के तो जब ही भी पूछा जाए तो यहां पर प्यारे साथियों ये हमारे क्या थे कवि थे क्या थे कवि थे साथियों कवि ठीक है ना कवि थे संगीतकार भी कह सकते हो लेखक भी कह सकते हो ठीक है ना तो ये वो थे लेकिन कौन सी भाषा तो इनकी भाषा थी मराठी नाम से पता लग रहा है मराठी तो मराठी साहित्य के लिए जाने जाते थे लेकिन कभी भी थे याद रखिएगा ठीक है कभी भी थे साहित्य के लिए जाने जाते थे लेकिन कभी भी थे ठीक है तो भाषा इनकी कौन सी हो जाएगी मराठी हो जाएगी इसको नोट कर लीजिएगा समाचार में उल्लेखित हर घर तिरंगा कार्यक्रम के पीछे अवधारणा क्या थी तो हर घर तिरंगा जो कार्यक्रम था उसके पीछे अवधारणा क्या थी हम कहते हैं ना पंद्रह अगस्त को भैया क्या लगाओ हर घर तिरंगा हर घर तिरंगा जो है वो प्यारे साथियों होना चाहिए हर घर तिरंगा हर घर की छत पे फेरा होना चाहिए तेरह अगस्त से ही चौदह अगस्त पंद्रह अगस्त तक ठीक है तो लोगों को बागवानी में भाग लेने और अधिक पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करना था देश की आजादी के लिए दिए गए बलिदानों का सम्मान करना अवशिष्ट प्रबंधन के माध्यम से पर्यावरण स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए या स्वच्छता दिवस स्वतंत्रता दिवस के लिए झंडे बनाने के स्थानीय कारीगरों और शिल्प कारीगरों का पैर साथियों जो आप लोगों का क्या करना वहां पर आप लोगों का सपोर्टिंग सपोर्ट करना उनका ठीक है तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी थी तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो ऑप्शन से बड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी कि देश की आजादी के लिए दिए गए बलिदानों का सम्मान करना और जो झंडा था तो झंडे पे जीएसटी फ्री था झंडे पे कोई जीएसटी नहीं था ठीक है चलिएगा वैज्ञानिक ने आ, किस देश में ग्रेट पिरामिड के अंदर एक छिपे हुए मार्ग की खोज की है बताएंगे किस देश के वैज्ञानिक ने किस देश के वैज्ञानिक ने पहले साथियों एक छिपे हुए आप लोगों के कहा ग्रेट पिरामिड के अंदर छिपे हुए मार्ग की खोज की है जल्दी से बता दीजिएगा ये कहाँ की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कौन से देश की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आज जब सुबह उठा कल रात को मैंने क्या हुआ कि कल रात को मैंने ठंडा कुछ खा लिया ठीक है और कल रात को जब मैंने ठंडा खा लिया तब तो ठीक हुए हैं लेकिन जब मैं सुबह उठा तो बोला ही ना जाए बिल्कुल ही ना बोला जाए मैंने कहा यार ये तो बड़ी गलती हो गई ठीक है तो फिर कम से कम बोलने में ही मुझे सुबह आधा एक घंटा लग गया ठीक है गला थोड़ा सा जो है खराब हो गया था तो यह चीज आपको जो है ध्यान में रखिएगा ठीक है तो अगर मैं बात करूंगा तो आप लोग का पिरामिड है गीजा का पिरामिड है अच्छा एक चीज आपको ध्यान में रखिएगा अब ये ना मार्ग की बात कर रहा है तो इस मार्ग, मार्ग की बात हो रही है तो मार्ग की चौड़ाई लंबाई आपसे पूछी जा सकती है तो मार्ग की जो लंबाई है वो साथियों कितनी है नौ मीटर है कितनी है नौ मीटर नौ मीटर है और इसकी जो चौड़ाई है वो दो मीटर है ठीक है ना तो चौड़ाई जो है वो कितनी है दो मीटर है तो चौड़ाई दो मीटर है मार्ग की डायमेंशन पूछी जा सकती है क्योंकि बात किसकी हो रही है पिरामिड के अंदर छिपे हुए मार्ग की तो नौ मीटर लंबा और दो मीटर चौड़ा इसको जो है ध्यान में रखिएगा गीजा का हाँ, ठीक है अभी कॉप ट्वेंटी एट चल रहा है अभी उसकी दो चार बातें होने दो उसको फिर मैं आपको कराऊंगा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य में तेरह सौ वर्ष पुराने बोध स्तूप की खोज की है तो बोध स्तूप की खोज की है जल्दी बता दीजिएगा फटाफट से जल्दी से बताया बोध स्तूप की यह सवाल मैंने पढ़ाया है थोड़ा स्पीड में आ जाइएगा अब थोड़ा स्पीड में आ जाइएगा तो बिल्कुल ये बन जाएगा उड़ीसा ठीक है अगला सवाल असम में पहला बोडोलैंड अंतरराष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ था बोडोलैंड अंतरराष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव कहाँ हुआ था पीडीएफ दी है कल भी चलिएगा असम में पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव कहा आयोजित हुआ था गोलाघाट में धुबरी में सिलचर में या कोकराझर में या कोकराझर में तो ये हमारा जो असम में बोडोलैंड अंतरराष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव है ये भैया कोकराझर में हुआ था इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो इस क्वेश्चन को मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा ठीक है ना कोकराझर में हुआ था गुलाबी बाल बर्म और मानसून चुनौतियों जैसे मुद्दों के कारण 2023-24 सीजन के लिए भारत में उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी देखी गई है बहुत अच्छा सवाल है बहुत अच्छा सवाल है पेरे साथियों तो मानसून के कारण समय पर ना गर्मी सर्दी बारिश पेरे साथियों की बात से जो हमारा पेरे साथियों क्या है कॉटन है तो कोटन में क्या हुआ है पैरे साथियों अगर आपसे पूछा जाए तो कुछ गिरावट देखी गई है पेरे साथियों ठीक है ना तो वो आप लोगों का जो है जब हम यहाँ पे बात करेंगे तो आप लोगों का कितने परसेंट की गिरावट देखी गई है तो आपका आंसर आ रहा है सात परसेंट सात परसेंट सात परसेंट चलिएगा ठीक है ना ओके पहले साथियों ठीक है ना चलिए मतलब आप थोड़ा सा जो है क्या कहते हैं आ, थोड़ा सा मतलब आप इसमें ना चूक गए हैं थोड़ा सा आप इसके अंदर जो है वो चूक गए हैं क्योंकि देखो इसमें क्या है कि सारी वैल्यू आसपास है पांच भी दे रखी है छह भी दे रखी है सात भी दे रखी है और आठ भी दे रखी है जैसा कि आपको ये ऑप्शन दिख रहे होंगे लेकिन यहां पे एक बच्चे ने सात लिख दिया तो मेरा मानना यह है कि ज्यादातर बच्चों ने जो है वो सात ही लिखा है ज्यादातर बच्चों ने क्या लिखा है साथ ही लिखा है और ये वाला साथ देख करके जो है आ, क्या कहते हैं ऐसा लगता है कि ये एक साथ आपने जो है देखे ऐसे ही लिखा है तो देखिएगा आंसर जो बनेगा वो छह परसेंट बनेगा पहली बात आंसर जो बनेगा वो छह परसेंट बनेगा अगर मैं यही सवाल को थोड़ा सा ना सुधारने की जरूरत है इस सवाल में अगर इस सवाल को थोड़ा सा मॉडिफाई करके ये पूछ लिया जाता कि चाइना और इजिप्ट वगैरह में चाइना और इजिप्ट वगैरह में जो गुलाबी बाल वर्म है हम इसको गुलाबी इल्ली भी कहते हैं ठीक है ना तो ये पेरे साथियों कितने परसेंट की गिरावट मिली है तो ये मिली है लगभग बीस परसेंट की गिरावट ठीक है ना तो जब हम यहां पे बात करेंगे हमसे पूछा भारत के कपास उत्पादन में तो भारत के कपास उत्पादन में लगभग छह परसेंट लेकिन अगर ये पूछता कि चीन के मिस्र के कपास उत्पादन में लगभग तो फिर आप बताते बीस परसेंट सवाल को घुमा दो सवाल को ये घुमा दीजिएगा कि जो हमारी कपास की खेती है तो कपास की खेती के लिए अगर आपसे पूछा जाए हानिकारक कीट का नाम बताओ तो पिंक बेलवोरम प्यारे साथियों तो जो हमारा पिंक बेलवोरम है जो पिंक बेलवोरम है ये हमारा क्या है बोम होता है कीड़ा तो पिंक बेलवोरम जो है ये कपास की खेती के लिए अत्यंत हानिकारक है क्या पिंक बेलवोरम तो इन सभी चीजों पे थोड़ा ध्यान रखेंगे फोकस करिएगा यहां से सवाल बन जाएगा ठीक है तो पिंक बेलवोरम की हम बात कर रहे हैं कपास की खेती के लिए हानिकारक है वर्ल्ड कोटन डे कब आता है तो वर्ल्ड कोटन डे जो आता है वो सात आप लोगों का जो है प्यारे साथियों अक्टूबर को आता है कब आता है सात अक्टूबर को वर्ल्ड कोटन डे मनाया जाता है कॉटन उत्पादन में हमारा जो राज्य है वो गुजरात नंबर वन है कौन है गुजरात नंबर वन है तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है भारत में खरीफ और रवि सीजन में उत्पादित प्याज का अनुमानित प्रतिशत कितना है बड़ा अच्छा सवाल है जल्दी से बताएं फटाफट से जल्दी 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 अरे यार थोड़ा स्पीड में आ जाओ ये सवाल बड़े अच्छे सवाल है ठीक है ना कल आपके लगभग लगभग डेढ़ सौ सवाल होंगे कल आपके कल आपका करंट अफेयर का टेस्ट है कल आपका करंट अफेयर का टेस्ट है दो घंटे चलेगा कल का टेस्ट कल का टेस्ट दो घंटे चलने वाला है ठीक है तो जल्दी से बताइएगा फटाफट से तो भारत में खरीफ और रवि सीजन में उत्पादित प्याज का अनुमान अनुमानित कितना है तो खरीफ में तीस परसेंट है और भैया जो हमारा रवि सीजन है उसमें सत्तर परसेंट है तो तीस और सत्तर तीस और सत्तर याद रखिएगा ठीक है ना चलेगा भारत में डेटा संचारित कृषि नवाचार के लिए किस संगठन ने नाबार्ड के साथ में साझेदारी की है तो डेटा संचालित कृषि नवाचार के लिए मतलब डेटा के आधार पर जो डेटा है तो उसके लिए भैया आधार पर जो आप लोगों का क्या है अगर मैं बात करूंगा तो किस देश के साथ में साझेदारी की है बता दीजिएगा फटाफट से चलिए तो यहां पे जब हम बात करते हैं तो ये किया है यूएनडीपी इंडिया के साथ में तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है तो पहले आ जाइएगा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम 22 नवंबर 1965 को बना था न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है और इसके जो हेड हैं अचीम स्टेनर साहब हैं तो अचीम स्टेनर जो कि कहाँ के हैं ब्राजील के हैं जो कि कहाँ के हैं ब्राजील के हैं वो इसके हेड हैं नाबार्ड 1982 में बना था बी सिब्रमण समिति थी प्यारे साथियों मुंबई में हेडक्वार्टर है के साजी इसके अध्यक्ष हैं ठीक है थीके? और अभी आपके सामने खबर क्या आ रही थी कि एक हर्ष कुमार भनावला जो नाबार्ड के चेयरमैन रह चुके हैं हर्ष कुमार भनावला जो नाबार्ड के चेयरमैन रह चुके हैं उनको एच का डायरेक्टर बना दिया गया है याद रख लेंगे इस बात को मैं पढ़ा चुका हूं ठीक है 12 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में किसानों के अधिकारों पर प्रथम वैश्विक संगोष्ठी का उद्घाटन किसने किया तो किसानों के अधिकारों पर जब किसान बिल थोड़ा ज्यादा था चर्चाओं में था तो किसान बिल के बाद की बात है ये प्रथम वैश्विक संगोष्ठी का उद्घाटन किसने किया था जल्दी से बताइएगा किसने किया था पेरे साथियों प्रथम वैश्विक संगोष्ठी किसानों के अधिकारों के लिए फार्मर्स राइट्स के लिए तो इसका उद्घाटन पहले साथियों आप लोगों का नई दिल्ली में द्रौपदी मुर्मू ने किया था नरेंद्र सिंह तोमर ने नहीं किया था द्रौपदी मुर्मू ने किया था तो ये चीज आपको जो है ध्यान में रखेंगे नोट करिएगा अगला सवाल है 8 सितंबर 2023 को 8 सितंबर को साक्षरता दिवस आता है किस भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री प्राणी चिकित्सा सेवा योजना मोबाइल पशु चिकित्सा वाहन मतलब जो मोबाइल एम्बुलेंस है किसकी पशुओं की तो एक सौ इक्यासी एंबुलेंस ऐसी छोड़ी थी मतलब लॉन्च की थी तो ये कौन से राज्य की योजना है मुख्यमंत्री भ्रम्यमान प्राण चिकित्सा योजना तो यह योजना नवीन पटनायक की योजना है उड़ीसा की योजना है नोट करिएगा डेयरी उद्योग को बदलने के लिए उनके अग्रणी प्रयासों के लिए भारत में श्वेत क्रांति के जनक अब ये भी नवंबर गया है तो 26 नवंबर क्योंकि जन्मदिन आता है किसका वर्गीस कुरियन साहब का तो यहां पे वर्गीस कुरियन आप लोगों का बन जाता है प्यारे साथियों कृषि उत्पादन बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान के लिए भारत में हरित क्रांति के रूप में किसे जाना जाता था हरित क्रांति के जनक हरित क्रांति के जो जनक है जो भारत में जाने जाते थे उनका भैया निधन हो गया क्या नाम था उनका जल्दी बताएं फटाफट से क्या नाम था प्यारे साथियों उनका जो हरित क्रांति वाले थे उनका निधन हो गया तो हरित क्रांति वाले कौन थे तो ये हमारे एम एस स्वामीनाथन विश्व में कौन है बोरलोग साहब है ठीक है ना चलेगा सरकार किन भारतीय राज्य में बड़े पैमाने पर हापुस की खेती का समर्थन के लिए कोंकण क्षेत्र में एक आम बोर्ड स्थापित करने की योजना बना रही है तो जल्दी से बताइएगा कहां पर हमने कहा था कि आम बोर्ड प्यारे साथियों तो आम बोर्ड आप लोगों का जब हमने बात की थी तो आम बोर्ड कहां पर प्यारे साथियों आप लोगों का जो है स्थापित किया जा रहा है बिल्कुल सही कुछ बच्चे तो जब हम यहाँ पे बात करेंगे अब प्यारे साथियों ध्यान से समझिएगा तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र अब आप में से कुछ को समझ में नहीं आया होगा हापुस की खेती हापुस की खेती क्या है तो आइएगा फटाफट से प्यारे साथियों एक हमारा मैंगो है एक हमारा मैंगो मैंगो मतलब आम आम का नाम है अल्फानसु क्या है अल्फानसु तो अल्फानसो आम है तो अल्फानसो आम की खेती को हम क्या बोल रहे हैं हापुस की खेती अल्फांसो आम की खेती को हम हाफूस की खेती बोल रहे हैं ठीक है चलिएगा भारत सरकार द्वारा बासमती चावल का न्यूनतम निर्यात मूल्य क्या है बासमती चावल का न्यूनतम निर्यात मूल्य साथियों क्या है जल्दी से बता दीजिएगा फटाफट से ठीक है ना तो जल्दी से बता दीजिएगा फटाफट से निर्यात मूल्य क्या है अब निर्यात मूल्य हमेशा डॉलर में होगा क्या होगा निर्यात मूल्य जो होगा डॉलर में हाँ ये आपका वहां का जीआई टैग है तो ये हमारा निर्यात मूल्य जो होगा वो डॉलर में होगा तो ये लगाइएगा तीन सौ डॉलर ठीक है तीन सौ डॉलर तो प्यारे साथियों आज ना यहीं तक करते हैं कोई सवाल अगर आपका रह गया हो ये कुछ सवाल थे जो बड़े चुनिंदा सवाल थे कल आप लोगों का ना टेस्ट हो जाएगा एक मिक्स टेस्ट हो जाएगा नवंबर के कुछ क्वेश्चंस में करा ही दिया आपको ठीक है ना और ये हमारा जो है कल का सेशन आप देखना बिल्कुल भी ना भूलें प्यारे साथियों क्योंकि कल का सेशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये सेशन ना डेली सुबह सात बजे आता है इससे जुड़ना बिल्कुल ना भूलें कुछ बच्चे जो हैं जो लगातार पॉलिटी के लिए जूझ रहे हैं कि पॉलिटी में क्वालिटी नहीं मिल रही सर तो पॉलिटी का जो सेक्शन है ना वो प्यारे साथियों कितने बजे है तो पॉलिटी का जो सेक्शन है वो सुबह दस बजे है सुबह दस बजे पॉलिटी का सेक्शन है तो पॉलिटी की क्लास है यहां पे नए नए प्रश्न आपके ताबड़तोड़ चल रहे हैं तो पॉलिटी की क्लास ना सुबह दस बजे का होगा, होगा, होगा साथियों कितने घंटे का दो घंटे का होगा तीसरी चीज मैं आपको यहां पे बता दू कि भैया एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो पीडीएफ में अभी पंद्रह मिनट में डाल रहा हूं पंद्रह मिनट में पीडीएफ में डाल रहा हूं याद रखिएगा हाँ जीके एजुकेशन हाँ कल ई एम आर एस के पेपर के लिए वहां पे जीके के जो सवाल है ना मतलब कौन से सवाल जीके एजुकेशनल जीएस ठीक है ना आपके न्यू एजुकेशन पॉलिसी टाइप तो वो आपके कल पढ़ाऊंगा बिल्कुल बिल्कुल पढ़ाऊंगा मैंने बोला हुआ है आप लोगों को ठीक है ना तो कल वहां पे हम सवाल कराएंगे तो कोई दिक्कत होगी परेशानी होगी बताना थैंक यू सो मच आज पाँच सात मिनट थोड़ा गला सा खराब था तो इसलिए पांच सात मिनट पहले ही मैंने छोड़ दी ठीक है तो चले कल मिले एप्लीकेशन भाई डाउनलोड कर लो एप्लीकेशन जब डाउनलोड कर लोगे उत्तर प्रदेश में चले जाओगे तो आपको कम्युनिटी पे अभी पंद्रह मिनट में पीडीएफ मिल जाएगी ठीक तो चलिए टाटा बाय बाय टेक केयर जय हिंद जय भारत मिलते हैं कल का टाइम वही है सात से नौ सुबह सात बजे सात बजे टाइम जो है सात से नो सात से नो सात से नो तो थैंक यू सो मच जय हिंद जय भारत सभी लोगों को आ, सपना डेरी कोमल मिश्रा ठीक है ना और विमलेश मान्या सूरज ठीक है सूरज लेट उठता है आजकल सूरज लेट से निकल रहा है पवन गुमनाम ठीक है ना और साइलेंट चलो ठीक है ना दिव्यांशी तो जय हिंद जय जै भारत के साथियों मिलते हैं कल